हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आरआरबी जेई 2019 के लिए एनवायरमेंटल सेक्शन का वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिनके थ्रू आपको अलग अलग एनवायरमेंटल साइंस की नॉलेज दी जाएगी। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन की और जानते हैं। मैं इस क्वेश्चंस में आपको धीरे धीरे इसके बारे में भी बताते जाऊंगा, और अगर कोई दिक्कत हो आप तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पे क्वेश्चन करके उसका आंसर पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। वाटर वेपर क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, तो आप इसमें स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने आंसर्स को और उनके साथ ऑब्जेक्टिव्स जो रॉन्ग आंसर है उनको भी। ऑब्जेक्टिव जो सही है उसमें ये टिक लगा हुआ है। तो वाटर वेपर क्या है? तो आप जानते हैं कि वाटर के तीन स्टेट्स होते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और अनदर गैस होता है। तो सॉलिड में आइस फेज में होता है, लिक्विड में वाटर का जो ओरिजिनल होता है वो, और गैसियस फॉर्म में होता है जब वेपर बन जाता है। तो वाटर वेपर एक गैसियस फॉर्म है इसलिए ये गैस होगा। एक्सॉन वाल्डेज क्या है? तो एक्सॉन वाल्डेज जनरली, ये मैंने एक छोटा टर्म लिखा था, ये टर्म ओरिजिनली होता है एक्सॉन वाल्डेज ऑयल स्पिल। ये एक ऑयल स्पिलेज हो गया था 1989 में 24 मार्च को, जो कि प्रिंस विलियम साउंड एक अलास्का के पास एक ये है वहीं पर हुआ था। और एक ऑयल टैंकर जो कि एग्जॉन शिपिंग कंपनी की थी वो लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया जा रही थी, और वो प्रिंस विलियम साउंड बील रीफ के पास, उनका जो कि वेस्ट में है टाटे लेक अलास्का के करीब, करीबन सुबह के 12:04 में वहाँ पर ये हुआ। और सारा तेल एकदम बेखबरी से वहाँ पर फैल गया। करीबन 10.8 बिलियन टन, जो बिलियन लीटर सॉरी, उतना स्पिलेज हुआ ये का। और इसे वर्ल्ड में वर्स्ट ह्यूमन काउज इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर का नाम दिया गया। ये ह्यूमन के द्वारा किया गया एक इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑयल टैंकर विच सैंक इन 1989 अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ अलास्का एंड मैराइन लाइफ स्ट्रांगली या सीरियसली अफेक्टेड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की यार। इन काम एयर द टेम्परेचर इज 10 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस। इफ द विंड स्पीड शुड इंक्रीज टू 30 नॉट्स विथ नो चेंज इन एयर टेम्परेचर, थर्मोमीटर वुड इंडिकेट। तो थर्मोमीटर आपका क्या इंडिकेट करेगा अगर जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस हो और 30 नॉट्स के स्पीड से हवा चलने लगे, विंड चलने लगे? तो टेम्परेचर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। बैरोमीटर जो है आपका वो थर्मोमीटर जो है वो आपका -10 डिग्री सेल्सियस ही बताएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंफ्रारेड एंड विजिबल सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड। इंफ्रारेड और विजिबल सैटेलाइट्स जो है वो इमेजेस किसका बताता है? तो IR, इंफ्रारेड रेडिएशन को जनरली IR शॉर्ट फॉर्म से लिखा जाता है, और वो क्लाउड थिकनेस और क्लाउड की ऊंचाई कितनी है उससे वो पता चलता है। सैटेलाइट्स के द्वारा इमेजेस इसकी मिलती है जब ये रेडिएशन छोड़ते हैं, तो ऊपर का क्लाउड और जितना थिकनेस होता है उसके नीचे के क्लाउड से वो इमिशन रेडिएट होकर फिर से जाती है, और उससे पता लगा लिया जाता है कि वो कितने एल्टीट्यूड पे और उसकी थिकनेस क्या है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वाट टाइम ऑफ डे इज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट अ मिनिमम? डे के किस टाइम में रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है सबसे कम? तो पता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटते जाती है। तो जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे कम होगी, वो सबसे कम होगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेनली ये होता है कि वाटर वेपर कितना ज़्यादा सेचूरेट है, कितना ज़्यादा वो एयर में प्रेजेंट है, उसी का मापन के लिए हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ये इस्तेमाल करते हैं।
द एटमोस्फेयरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द एटमोस्फेयरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होती है वो किसके वजह से मेनली होती है, तो एब्जॉर्प्शन एंड री इमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया हुआ होता है और री इमिट होता है इंफ्रारेड रेडिएशन, उसी के वजह से मेनली एटमोस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन ही इसका मेन मुख्य कारण होता है। द ब्लूनेस ऑफ द स्काई इज़ मेनली ड्यू टू, आपको पता होगा कि वाइट लाइट से ढेर सारे वेवलेंथ्स के कलर छूटते हैं, तो ब्लू लाइट का जो होता है वो सबसे कम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है और हाइयर अमाउंट ऑफ एनर्जी ये प्रोड्यूस कर सकती है। तो स्कैटरिंग जनरली इन ब्लू लाइट्स का ही होता है क्योंकि ये शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस पे ही ट्रैवल कर पाते हैं, इनका वेवलेंथ बहुत कम होता है, तो ये शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस पे स्कैटर्ड हो जाते हैं जिस वजह से पूरा स्काई आपको ब्लू कलर का मेनली दिखता है। बट ओरिजिनली अगर आप एस्ट्रोनॉट्स से पूछिएगा और भी अदर चीज़ों में पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि जो कलर ऑफ स्काई होता है वो डार्क होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है, वो मेनली डार्क होता है, वो ब्लू कलर का स्कैटर्ड के वजह से ही, वो सनलाइट का स्कैटरिंग जो होता है उसी के वजह से ये होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एटमोसफेयर नियर द अर्थ सरफेस इज हीटेड फ्रॉम बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू दिस हीट। ये हीट द एटमोसफेयर नियर द अर्थ सरफेस इज हीटेड फ्रॉम बिलो, अगर वो नीचे से हीट हो तो ये कौन सा सेंटेंस है जो कि सही नहीं है। तो कंडक्शन ऑफ द हीट अपवर्ड फ्रॉम द हॉट सरफेस, तो कंडक्शन जो है कि हॉट सरफेस से ये होगा, कन्वेक्शन वो भी होगा, और एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि इंफ्रारेड रेडिएशन के वजह से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, तो ऊपर के तीनों चीज़ों से ये होगा, बट हीट अर्थ फ्रॉम द इंटीरियर वो नहीं होगा क्योंकि अंदर से हीट आ रहा है और वो बाहर तक वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो चौथा नंबर का क्वेश्चन होगा, चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो गलत होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ग्रेजुअल साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू स्लोली चेंजिंग न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशन इज नोन एज, आपके बॉडी में ग्रेजुअल साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू स्लोली चेंजिंग न्यू इन्वायरमेंट, जो नया इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है बराबर और आपका जो बॉडी उसको एडजस्ट कर पा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, तो इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्लाइमेटाइजेशन, मतलब आप क्लाइमेट को अपने अंदर उसको फील कर रहे हो, आप क्लाइमेट के अनुसार अपने बॉडी को रजिस्ट कर रहे हो, आप उसके अनुसार अपने आप को चेंज कर पा रहे हो, ये बॉडी का अपना एक इफेक्ट होता है। तो ये जो चीज़ हो रहा है, इस प्रोसेस या इस टर्म को मेनली डिफाइंड किया जाता है एक्लाइमेटाइजेशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलिनाइजेशन इज, सेलिनाइजेशन क्या है, तो सेलिनाइजेशन एक एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉइल, सॉइल में जब सॉल्ट्स की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको सेलिनाइजेशन कहा जाता है। मेनली आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये वाटर में नहीं होता है, वाटर में समुद्र में जनरली आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि समुद्र में पानी जो रहता है वो खारा रहता है तो सेलिनाइजेशन, नहीं ये गलत है, जो सॉइल में आपका एक्यूमुलेशन हो जाता है सॉल्ट्स का उसे कहा जाता है सेलिनाइजेशन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसिड डिपोजिशन काउजेज, एसिड डिपोजिशंस के कारण क्या होगा, आपको पता है कि हार्मफुल गैसेस जैसे SO2 NO2 वगैरह वगैरह जब ऊपर में उड़ते हैं और वो वाटर के साथ जब पानी जब रेन होता है तो वो वाटर के साथ मिल करके और हार्मफुल एसिड्स बनाते हैं, जो एसिड्स के कारण लेक्स और फॉरेस्ट में जाते हैं तो वो ज़मीन को भी बंजर बना सकते हैं और लेक्स और एक्वेटिक लाइफ को भी डैमेज कर सकते हैं। तो एसिड डिपोजिशंस काउजेस मेनली आपका लेक और फॉरेस्ट को ख़त्म होना पड़ता है। ऐसा एडवाइस भी किया जाता है कि जनरली जो रेन स्टार्ट होता है तो उस समय नहीं हम लोगों को भीगना चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें हार्मफुल केमिकल्स और एसिड रेन्स की मात्रा हो सकती है, तो अगर मुझे भीगना भी है तो थोड़ी देर बाद आदमी को रेन का मज़ा उठाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। मेलानोमिया, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, ये मेलानोमिया होगा।
ये जो मैंने लिखा है ये मेलानोमिया होगा, MELANOMIA, ठीक है, आप इसे सुधार कर लीजिएगा, ये मेलानोमिया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेलानोमिया जो है ये मेनली एक्सपोजर टू सनलाइट, सनलाइट पे जो एक्सपोजर्स होता है उसके कारण से ये मेलानोमिया स्किन कैंसर होता है। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ये बताया गया है कि 2017 में एक्सपेक्टेड 87,110 केसेस मेलानोमियाज के आ चुके हैं और करीबन 9,730 इसमें डेथ भी रिजल्ट हुआ है। तो ये एक एक्सेस एक्सपोजर टू सनलाइट ये काउज हो सकता है। और चूंकि ये जनरली होता है कि आपका जो अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह जो आपके शरीर पे पड़ती है तो उस वजह से ये हो सकता है, तो ओजोन डिप्लेशन इसका एक मेन कारण होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन ऑयल एंड गैसेस रिसोर्स आर बर्न्ड दे किल मैनी फॉरेस्ट एंड लेक्स बाय। तो मैंने ऊपर में भी डिस्कशन किया था कि फॉरेस्ट और लेक्स को मेनली एसिड रेन दिक्कत पहुंचाती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एसिड रेन। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉइल पॉल्यूशन इज काउज्ड बाय, तो मेनली सॉइल पॉल्यूशन भी जो होता है वो एसिड रेन की वजह से ही होता है, और ये एसिड रेन के कारण ही आपका सॉइल जो है वो बंजर हो जाएगा, आप उसमें कुछ भी नहीं उगा पाओगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हिबरनेशन एंड एस्टिवेशन? हिबरनेशन और एस्टिवेशन क्या होता है? ये जनरली एक स्लीपिंग पैटर्न है, एनिमल्स जो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स हैं वो जनरली इस दौरान सोए रहते हैं। तो बस एस्टिवेशन और हिबरनेशन में ये अंतर है कि एस्टिवेशन होता है समर स्लीप और हिबरनेशन होता है विंटर स्लीप। इस दौरान जो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं वो सो जाते हैं और एकदम डोरमेंट कंडीशन में, एकदम कोई भी प्रकार का वो काम नहीं करते, जिस वजह से वो उनका जो थर्मल एडाप्टेशन है जो एनवायरनमेंट के साथ उनका जो मैचअप है उनका बॉडी मैचअप कर जाए और वो उस कंडीशन में भी उस बुरे से बुरे वक्त में भी वो जिंदा रह पाएँ। तो एस्टिवेशन और हिबरनेशन जनरली इन टर्म्स को कहा जाता है। बस अंतर ये है कि एस्टिवेशन दैट मीन्स समर स्लिप और हिबरनेशन मीन्स विंटर स्लिप। तो ये जनरली प्रोसेस होता है थर्मल एडाप्टेशन शोन बाय एनिमल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके मेरे और अपडेटेड वीडियोस के लिए वेट करें। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।